गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर अकेडमी नीड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ सेल चैप्टर जो हम मेधावी बैच में कंप्लीट कर रहे हैं और बैच फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री जितने बच्चे हैं दिस इज फॉर लास्ट लेक्चर ऑफ सेल साइकिल सेल चैप्टर दैट इज न्यूक्लियस ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एंड समथिंग दैट विल हेल्प यू इन सेल साइकिल सेल डिविजन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो सब जगह काम आने वाला है ये टॉपिक ठीक है जल्दी से बुलाओ सबको सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन एंड यूट्यूब पे हमारे टाइमिंग्स वेरी नाइस यूट्यूब पे हमारी टाइमिंग्स है साढ़े ग्यारह बजे सुबह और साढ़े छ बजे शाम को तो ऑन यूट्यूब इट इज इलेवन थर्टी ए एम एंड सिक्स थर्टी पी एम ठीक है सुबह हम इलेवंथ क्लास पढ़ रहे हैं और शाम को हम ट्वेल्थ क्लास पढ़ रहे हैं सिंस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स कल शाम को ही खत्म हुआ है वो चैप्टर आज सुबह उसकी एन रीडिंग थी तो अब हम जाएंगे फॉर क्वेश्चन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का फुल चैप्टर प्रैक्टिस सेशन है ठीक है ठीक तो जितने बच्चे वहां आना चाहते हैं आ सकते हैं फिर प्लस पे सेशन शुरू हो जाएगा पंद्रह तारीख से पांच बजे फाइव पी एम एंड स्पेशल क्लास का टाइमिंग हमारा रहता है फ्री स्पेशल क्लासेज आर एट टू पी एम ठीक है सो आर फ्री मेक श्योर कि आप

ऑलरेडी सत्रह तारीख तक ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है टेन परसेंट ऑफ ऑन डिस्काउंटेड ऑलरेडी प्राइस है और टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा आप कोमल लाइफ कोड यूज करोगे तो सो ओवरऑल यू आर गेटिंग अ ऑफ डिस्काउंट राइट नाउ टिल सेवेंटी ऑफ नवंबर अब इससे भी ज्यादा चाहिए अगर डिस्काउंट तो दो स्कॉलरशिप एग्जाम्स है कल एक साढ़े ग्यारह बजे दैट इज कॉम्बैट और दो बजे रिवाइव डू नॉट फरगेट टू एनरोल फॉर इट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारी चीजों का ठीक है चले बेटा लेट्स स्टार्ट ले विद न्यूक्लियस डिस्क न्यूक्लियस इन डिटेल सो ब्रेन ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल ठीक है ब्रेन ऑफ द सेल मेन काम यही कर रहा है दिमाग यही लगा रहा है जो भी इंफॉर्मेशन है पीछे से आपको न्यूक्लियस ही दे रहा है न्यूक्लियस ही ढूंढ ढांड के आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा और उसके हिसाब से हमें चलना है ठीक है द फर्स्ट टाइम दैट वी सॉ न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ठीक है रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन मुंडे हे मेरे दिमाग में बैठ गए बैठ गया बिल्कुल किसी बच्चे ने बोला था मेरी क्लास में तो से दिमाग में फिट थे ओके रॉबर्ट ब्राउन ना न्यूक्लियस की जब बात आ गई ना तो न्यूक्लियस क्वाइट अ बिग ऑर्गेनली काफ़ी सेंटर और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ऑर्गेनली है हमारे पास डायग्राम पे आएंगे बट उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि कहाँ मिलता और कहाँ नहीं मिलता क्या कोई सेल ब्रेन के बिना काम कर सकता है आदर एनी सेल्स दैट कैन वर्क विदाउट द न्यूक्लियस यस कैन दे लिव यस लेकिन कैसे या तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जिंदा रहेंगे या फिर कोई मदद कर रहा है ठीक है या तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देर लाइव और कोई उनकी मदद कर रहा है क्योंकि दिमाग के बिना इंसान रह सकता है सेल नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज ई न्यूक्लिएट विदाउट न्यूक्लियस एग्जाम्पल मेच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब सेल्स ठीक है कुछ विद मोर देन वन न्यूक्लियट यू कैन से बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लियट बाई न्यूक्लिएट दो न्यूक्लियस या उससे भी ज्यादा मल्टी न्यूक्लियट मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन थोड़ी रेयर है बाय न्यूक्लियेट हमें फिर भी मिल जाती है ऐसे सेल्स के अंदर जहाँ पे वो अपना भी ध्यान रख रहे हैं बेटा और सामने वाले किसी और स्ट्रक्चर का भी ध्यान रख रहे हैं सो मेजरली दे आर न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन ज्यादा ठीक है लैग नहीं हो रहा है कोई लैग नहीं है चल रहा है मेरे सामने वीडियो चल रहा है मेरे सामने वीडियो देर इज नो लैग रिफ्रेश एट योर एंड ओके और एक सेकेंड दो सेकेंड का लैग अगर होता भी है तो आई थिंक दैट मच यू कैन टॉलरेट मेरे ख्याल से तो वो भी नहीं था बट क्वाइट स्टेबल आई कैन सी माइ नेट सामने थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली से पहले रिलैक्स मारो ओके ना बाय न्यूक्लियट मतलब दो न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लियर उससे भी ज्यादा न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस का प्रेजेंस जब इतना है तो ऐसे सेल्स में होता, तो होता है तो ज्यादातर न्यूट्रेटिव होते हैं जैसे कि आपके पास टेपिटम टेपिटम हेल्प्स एंड नरिशमेंट इन हेल्प्स एंड नरिशमेंट इन माइक्रोस्पोरानजियम ये हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स में पढ़ा ठीक है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जिनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस का प्रेजेंस है और अगर हम फंगस की बात करें ना बेटा लेट्स टॉक फंगस तो जो हमारे पास लोअर फंगस है थोड़ा प्रिमेटिव फंगस है कैटेगरी में लिख देती हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे उसको देर आर टू कैटेगरीज यू माइसिटीज एंड जाइगो और दोनों को हम एक साथ रखते हैं इन पाइको माइसिटीज ठीक है ये कुछ ऐसा फंगस है दिस इज वन टाइप ऑफ फंगस अ कैटेगरी ऑफ फंगस नॉट कैटेगरी ऑफ फंगस जिसके के अंदर पूरा जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसमें कोई डिविजन नहीं होता बेटा तो सारे न्यूक्लियस एक साथ ही पड़े हुए हैं सो इट्स होल बॉडी इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कोई प्रॉपर क्लियर कट सेल का डिविजन नहीं है ऐसी कंडीशन को इस मल्टी कंडीशन को इस मल्टी कंडीशन को हम कहते हैं सीनो इससे मिलता जुलता एक और वर्ड आपको मिलेगा सिंसिटियम Usually, आपके लेवल पे मतलब हम इलेवंथ और ट्वेल्थ के लेवल पे सिंसेटियम और सीनोसिटिक टर्म को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं ठीक है एंड दोनों उल्टा पुल्टा सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन के लिए होता एक्चुअली मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन ही है कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे यही कंडीशन है वो बट द डिफरेंस इज कि बना कैसे इसमें कभी वॉल थी ही नहीं वॉल वॉज नेवर फॉर्मड ठीक है सिंसीडियम में वॉल होता है लेकिन डिग्रेड हो जाता है बट इतना डिटेल में नहीं जाने का है अपने को सिर्फ दोनों कंडीशन के लिए ये याद रखना है कि दोनों कंडीशन में वॉट वी हैव इज वी अ मल्टी न्यूक्लियटेड कंडीशन ओके क्लियर डन बेसिक पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियस गोइंग टू इट्स डायग्राम ठीक है इसके डायग्राम के लिए जाते हैं और कुछ पॉइंट्स और भी लिखूंगी मैं यहीं पे राइट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस डायग्राम छोटा लेबलिंग ज्यादा डायग्राम छोटा लेबलिंग ज्यादा इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दो मेंब्रेन है दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अगर आपको याद हो इट यूज टू फॉर्म ईआर बाहर है ना ये बाहर की तरफ ईआर ER में चली जाती थी सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज टू फॉर्म ुलम याद आया रफ एंडोप्ला की तरफ बैंड हो जाती थी तो कंटिन्यूस टू फॉर्म आर ई आर एंड ऑल्सो मे हैफ कैसे कि एस राइबोजोम्स का अटैचमेंट इसको भी हो सकता है एटीएस राइबोजोम्स में भी अटैच टू दउटर माइटोकॉल आउटर न्यूक्लियर मेमब्रेन लेकिन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा दिस इज स्मूथ नो एटीएस राइबोसोम्स अटैच्ड यह कोई ईआर ER बनाने भी नहीं जा रहा है दूसरी चीज देखो आप दोनों के दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस अपने आप में नहीं है आउटर मेम्ब्रेन और इधर वाला आउटर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में गैप आ गया विद इन इट सेल्फ इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर छेद है बीच बीच में सो बोथ आउटर मेंब्रेन एज वेल एज इनर मेम्बरेन आ डिस क्यों क्योंकि उनके बीच बीच में पोर्स हैं विच इज नोन एज न्यूक्लियर पोर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर इनर भी डिस्कंटिन्यूस मेमब्रेन है और आउटर भी डिस्कंटिन्यूअस मेंब्रेन है आउटर एज वेल एज इनर आर डिसकंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू देम सेल्व लेकिन आउटर मेंब्रेन बाहर की तरफ ईआर ER में कंटिन्यू हो जाती है फुर? अब न्यूक्लियर पोर जो है जो छेद है वो पोर दोनों मेम्ब्रेन में हमने किया ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके अंदर बाहर क्या मटेरियल एक्सचेंज कराओगे मटेरियल दैट इज बीइंग आरएनए एंड प्रोटीन्स ट्रैवल बोथ वेज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में सिंपल ठीक है सिंपल सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पेरी न्यूक्लियर स्पेस सेकेंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर ये सारी चीजें जो बनाई चारों के चारों आउटर इनर री माइ पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड पोर टूगेदर इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप कहीं लिख पाएंगे ऑल फोर ऑफ देम आ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर आनम क्लियर लिखा डन लेबलिंग अहेड अगला पॉइंट अब थोड़ा डिटेल में जा रही हूं इसलिए पहले इसको कर लो हाँ ah, आप देखो यहां पे अंदर फ्लूइड है ऑब्वियसली लेकिन जो फ्लूड इधर की तरफ है थोड़ा ज्यादा डेंस है पेरीफरी पे जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूड है ना लिक्विड है वो पेरी -फरी पे थोड़ा ज्यादा टेंस है क्योंकि थोड़े प्रोटीन वगैरह एक्स्ट्रा है यहां पे इंटरक्टिंग विद इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो जो अंदर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास थोड़ा डेंस मटीरियल है पेरीफरी पे नोन न्यूक्लियर मिना डेंस पेरीफरल मीडियम ठीक ये बीच में न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म कंपेरेटिवली ट्रांसपेरेंट कंपेरेटिवली ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सबस्ट इसके अंदर का फ्लूड ठीक है पेरी में थोड़ा ज्यादा कचरा तो थोड़ा डेंस दिखता है बीच में थोड़ा कम डेंस दिखता है फिर इन द सेंट्रल रीजन यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ क्रोमाटिन मटीरियल से पतले पतले से धागे हैं अंदर This is called as chromatin. Chromatin comes for comes from two words, chroma and teen. -E -E T-E-N-E Chroma means colour. Teen means thread. Colored thread. You can colour them easily. kaise colour karte stain stains colour karte. We use different stains to see this under the microscope. सो सिंस इट इज टेकिंग अप बहुत इजीली स्टेन हो जा रहा है तो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर आर इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज स्ट्रक्चर धागे जैसा है सिंगल फाइबर्स फाइबर्स जिसको हम जानते हैं अंदर क्या कंटेन करता है जो क्रोमेटिन मेरे पास है वो फाइब्रस सा स्ट्रक्चर है कलर हो जाता है स्टेन हो जाता है किससे स्टेन होता है वो बता रही हूँ धागा है लेकिन हम जानते हैं कि अंदर एग्जैक्टली exactly क्या है उसमें क्या क्या रख के बैठा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीएनए को पैक करने वाला सारा का सारा तामजाम पैकेजिंग मटेरियल क्योंकि हम यू कैर की बात कर रहे हैं तो देर इज प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर द पैकेजिंग मटीरियल पैकेजिंग मटेरियल फॉर डीएनए ठीक है सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स तो है पैकेजिंग के लिए जरूरत होती है लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड टू बाइंड दिस टुगेदर ठीक तो है तो ऐसी भी चीजें इसके अंदर है डीएनए और मेजरली प्रोटीन मिलके ये पतला सा धागा बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल और उसका पैकेजिंग मटेरियल साथ में क्रोमैटिन प्रॉपरली स्टेनिंग किससे कराओगे क्रोमैटिन कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज सच एज एसिटोकार एंड फ्यूल्जिन स्टेन फ्यूल्जन स्टेन दिखने ना रोको एसिडोकार एसिडोकार तो दिख रहा है जन स्टेन एफ यू एल फ्यूलिजन ठीक है ये स्टेन बेसिक है अब देखो फंडा क्या है इसके पीछे जो हमारा डीएनए है ना जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा दैट इज एसिडिक इन नेचर एसिडिक इन नेचर तो उसको स्टेन करने के लिए हम क्या ले लेते हैं बेसिक डाइस सिंपल फंडा ठीक सो दिस इज द क्रोमैटिन द सेंट्रल धागे वाला पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके और डिटेल में आएंगे अभी इसको अभी छोड़ना नहीं है दिस इज जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक फिर इन द सेम एरिया आपको बैकग्राउंड में एक और डेंस रीजन मिलेगा ये जो न्यूक्लियो वाली जगह है ना उधर आपको एक और डेंस रीजन मिलेगा दिस कुड बी वन नंबर और मोर मोर देन वन इन नंबर मल्टीपल भी हो सकते हैं एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस 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 इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड बाय मेम्रेन मतलब इसके चारों तरफ कोई फॉस्फोलिपिड बायोलेयर नहीं है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ये साइट है साइट फॉर आर आर एन ए सिंथसिस याद है राइबोसोम्स पढ़े थे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए पड़े थे आर आर एन ए जो जो इन्वॉल्व थे दो आर आर एन ए आरथे सिंथिसाइज इन दिस न्यूक्लियोलस वाला रीजन ठीक है ये कैसा दिखाई देता है दिस इज कोलोइडल एसिडोफिलिक मतलब एसिडिक कंडीशन है ठीक है एसिडोफिलिक एसिड लविंग राइट एंड कोलोइडल कंपाउंड और स्ट्रक्चर दैट इज देयर कॉन्फिग्रेशन उसकी ऐसी रहेगी बॉडीज आर प्रेजेंट देर इज नो मेम्ब्रेन अराउंड इट ठीक है और इसका ये गोल मटोल सा स्ट्रक्चर ताकि ये यही रहे इसको यहीं मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये क्योंकि मेम्ब्रेन तो है नहीं बेटा आसपास तो फैलेगा फटेगा वो तो करना नहीं है जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग स्टेज इन द सेम प्लेस कैल्शियम इज यूज क्लियर अब हाँ आते है अगली बात कुछ रहा तो नहीं क्या मेन तो लेबलिंग हमारी यही है ठीक है इसके बाद में क्रोमार्टिन को और डिटेल में बताऊंगी बेटा तो मेक श्योर जो बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा स्पीड अप साथ के साथ ही लिख लो बाद में दोबारा इसी चीज पे नहीं आना है सेम चीज को वीडियो देखते रहोगे दस दस बार तो कैसे काम चलेगा पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा टिन क्रोमार्टिन के टाइप होते हैं मैडम देर आर टू टाइप ऑफ क्रोमैटिन दैट वी सी मूविंग दिस टू दैक्स्ट पेज क्रोमैटिन जैसे मैंने आपको बोला क्रोमार्टिन एज आई टोल्ड यू क्रोमाटिन थ्रेड लाइक ओके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं हम हेटरो क्रोमाटिन एंड यू क्रोमाटिन हेट्रोक्रोमार्टिन एंड यूक्रोम ना हेट्रोक्रोमार्टिन इज तो समझ में आता है कि एक्टिव मतलब काम आ रहा है और इनएक्टिव जो काम नहीं आ रहे तो बात ये है कि एक्टिव लेके चल रहे हम अपने साथ क्रोम वो ठीक है क्योंकि वो काम आता है लेकिन हम इनएक्टिव को क्यों लेके चल रहे हैं साथ में इनएक्टिव ट्रोक्रोमेटिन इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज क्लोज वो ऐसे जैसे हमेशा बंद रहेगा लेकिन कभी कभी ऑन हो गया ठीक है तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कभी कभी बंद है और कभी कभी ऑन है बी पैक्ड प्रॉपरली दूसरा आपके क्रोमोजोम आपने सुना होगा वर्ड क्रोमोजोम जब क्रोमैटिन बहुत टाइट से पैक हो जाता है तो उसको क्रोमोजोम बोलते हैं पैक वेरी टाइटली एंड प्रोपरली वो शेप लेगा ले एक और वो डिस्टिंग वही धागा बस अच्छे से लिपट गया जैसे ऊन है ऊन है का गोला है तब तक आप उसको ऊन बोल रहे हो ऊन ले जब आपने एक बार उसको बुन दिया तो अब वो स्वेटर कहला रहे है। ठीक है ऐसे ही पतला धागा तो क्रोमाटिन है बट वो फोल्ड हो गया अच्छे से और फिर उसने एक शेप ले लिया देन इट इज नोन है क्रोमोजोम ना क्रोमाटिन जो हमारे पास है हेट्रोक्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन दोनों में जो मैं बात कर रही हूं ये वाला एक्टिव वाला कूल बट हेट्रोक्रोमाटिन शेप देने के काम आ सकता है ठीक है स्ट्रक्चर देने के काम आ सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो सदियों से पुराने 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 पार्ट से कह सकते हो बैक्टीरिया से भी हमारा जेनेटिक मटीरियल मिल रहा है लॉट ऑफ थिंग्स री बैगेज छोटा 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 थोड़ा 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 इकट्ठा करते ला रहे करते ला रहे माम ये कचरा वेस्ट है ना क्यों ला रहे हम इसको फेंक देते हैं नहीं लेके चलते सिर्फ जो काम का है उतना लेके चलते हैं अब अगर सिर्फ काम की चीज आप कैरी करोगे तो एक फिनोमिना होता है जेनेटिक मटीरियल के साथ एंड दैट इज म्यूटेशन कुछ बच्चों से सुना होगा शायद म्यूटेशन इज अ फिना जिसमें डीएनए में चेंज आ जाता है वो चेंज किसी फिजिकल या किसी केमिकल एंटिटी की वजह से हो सकता है फिजिकल क्या है रेडिएशन यूवी रेज आर वन ऑफ द म्यूट म्यूट वो एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं आर कॉल्ड म्यूट सुनो ये समझने की बात है लिखने की नहीं है। सारा कुछ मोलिकुलर बेसिस ऑफ एन एलिटेंट्स ट्वेल्थ क्लास में आएगा लिखा मिलेगा बड़ा बड़ा ठीक है अभी समझो नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल और नेचुरल चीजें हैं जो कि टाइम टू टाइम हमारे डीएनए को तंग करती रहती हैं और उसके अंदर चेंज लाती रहती है उसको खराब करती है तोड़ती है ये है वो है ठीक है अब अगर मैं सिर्फ इतना सा मटेरियल है मान लो मेरा काम का मैं इतना सा मटेरियल लेके चल रही हूँ आई जस्ट हैव दिस मच ऑफ यूज और मेरे पास इतना ही है दिस इज यूजफुल पार्ट और दूसरी जगह पे मेरे पास इतना बड़ा जेनेटिक मटेरियल है लेकिन उसमें से सिर्फ काम का इतना सा है ठीक है एनवायरमेंट में जो है जब इसको टारगेट करेगा तो सीधा थाक। और मेरा डीएनए खराब एनवायरमेंट में जरा सा डीएनए लेके चल रहे हो जेनेटिक मटेरियल कम है ऐसे में चांसेस है कि एक तो सारा काम का है कम है और टेंसोड़ा साइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वायरसेस बड़ी जल्दी क्विकली गेट म्यूटेटेड जल्दी जल्दी चेंज होते हैं क्योंटिक मटीरियल जरा सा और जितना है सारा काम करे का तो कोई तरीका ही नहीं है कि कुछ हो और छुप जाए मेरा जेनेटिक मटेरियल इतना बड़ा काम की चीज सिर्फ इतनी सी लगती रहे रेडिएशन जहां पढ़ना पड़े चांसेस ऑफ अटैकिंग दिस रीजन गेट्स वेरी लेस वो काम की चीज को ही हिट करेगा चांसेस कम है ये फालतू का जितना जेनेटिक मटेरियल मैं सदियों से लिए आ रही हूं जो मेरे शायद अभी किसी काम का नहीं है हो सकता बॉडी हेयर हम में और बंदर में देख लो हमें है बंदर में ज्यादा है तो वो बॉडी हेयर एक्सेसिव बॉडी हेयर वाला जीन होगा कहीं बॉडी में हमारी हर सेल में होगा बस एक्टिव नहीं है स्विच ऑफ करके बैठाया हुआ है क्या करके बैठाया हुआ है करके बैठाया हुआ है बोला चुपचाप बैठा रहे क्या पता बाद में जाके इस इंसान को बंदर ही बनाना पड़ता है मुझे तो नेचर इतनी आसानी से पुरानी बनाई हुई चीज को हटाती नहीं है स्टोर कर देती है स्टोरेज की आदत है पैक किया रख लो पैक किए रख लो काम आ जाएगा शायद आगे काम आ जाएगा शायद सदियों से चला आ रहा है कि शायद काम आ जाएगा शायद काम आ जाएगा और दूसरा वो ऐसे पड़ा पड़ा हमें म्यूटेशन से भी बचा रहा है क्योंकि सिंस आई हैव इतना सारा कचरा अब काम की चीज क्या है उसमें कौन ढूंढेगा तो ढमढम मार रहा है कहीं पर भी काम की चीज में बची हुई है छुपा हुआ है लेकिन इफ आई है ये वही वाली बात होगी ना कि आप एक बैग लेके चल रहे हो उसमें कहीं आपका पर्स है कोई चोरी करने जाएगा तो ढूंढेगा सब कुछ सामान में कहा पर्स है मुश्किल है ढूंढना वही आप हाथ में लेके चल रहे हो दो हजार का नोट सड़क पे दे घुमा के तब पर हाथ से लेगा कोई मैम आप इतना वायलेंट एग्जाम्पल क्यों देते हो दिल्ली ठीक है तो बात समझ रहे हो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है टू हैव सच अ बिग जेनेटिक मटेरियल तो इतना बड़ा जेनेटिक मटेरियल सभी मिल रहा है तो उसके लिए हमने बोला कि ऐसे नहीं है कि ठीक है 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 तो वेस्ट, लेकिन जंग बट ढंग से पैक तो करेंगे यार तो जगह फैला पड़ा रहेगा तो ऐसे में क्या करना है इनएक्टिव को टाइटली पैक करना है टाइटली पैक्ड दिस इज लाइटली पैक्ड दिवाली पे जो सुंदर सुंदर प्लेट कटलरी पानी कांच के ग्लास है ना गैस आए हैं बेटा पानी दे दो स्टील वाले मत लेके आना कांच वाले में लेके आना और कांच वाला ऊपर चढ़ के उतारो तो जो कभी कभी चीज काम आती है वो अच्छे से पैक होके रखी होती है जो रोज काम आ रही है वो ऑब्वियसली इज लूजली पैक्ड बिकॉज इट इज यूज एवरी डे ठीक है कंटिन्यूसली यूज क्योंकि अब ये हल्का ढीला ढीला लूजली पैक्ड है मैं इसको स्टेन करूंगी तो इतना स्टेन नहीं दिखेगा डार्क हल्का दिखेगा ना पतले पतले धागे हो रखे हैं सो दिस इज लाइटली स्टेन जब आप इसको स्टेन करोगे लाइटली पैक्ट नहीं लूजली पैक्ड लिख मैं सोचू कुछ अजीब हो गया लाइटली लाइटली हो गया लूजली पैक्ड दिस इज डार्कली स्टेन ठीक है बेटा क्लियर अब क्रोमैटिन एज आई टोल्ड यू जो टाइट से पैक कर दोगे तो क्रोमोजोम कहलाएगा स्वेटर को अच्छे से ऊन को आपने बुन दिया तो वो स्वेटर कहला रही है ऊन थोड़ी बोलते बैठोगे उसको तो क्रोमैटिन व्हेन इज प्रॉपरली ट बिकम्स अ क्रोमोजोम क्रोमाटन इज थ्रेड लाइक क्रोमोजोम हेज अ प्रॉपर शेप हैज अ प्रॉपर शेप ठीक है इस शेप में सबसे प्रोमिनेंट चीज आपको क्या दिख रही है बीच में गड्ढा बीच का गड्ढा इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पहला गड्ढा पहला गड्ढा नोन एज सेंट्रोमेयर सेंट्रोमियर मेयर इज समथिंग दैट इज वेरी टाइटली पैक्ड ठीक है सेंट्रोमियर सेंटर में एक पिचका हुआ स्ट्रक्चर अब ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे कोई भी एक्टिव डीएनए नहीं होगा यहाँ कोई भी एक्टिव जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा यूक्रोमैटिन नहीं होगा यहाँ पे कोई भी यूक्रोमैटिन नहीं है ज्यादातर हेट्रोक्रोमैटिन है तभी मैं टाइट से पैक कर पा रही हूं ठीक है तो एक जो सबसे प्रोमिनेंट चीज दिखी वो ये दिखी दूसरा आपको क्या दिखेगा एंड

अब ये जो सेंट्रोमियर बीच में हुआ ना इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा क्रोमोजोम आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गया आधा ऊपर आधा नीचे ठीक है ऐसा डिवाइड होता है कि ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाले पार्ट में से कोई भी पार्ट एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर बना देती तो ऊपर छोटा हो जाता नीचे बड़ा हो जाता आम इसके हाथ ठीक है तो जो छोटा वाला हाथ है नोन एज शॉर्ट आर्म इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से पी स्टैंड फॉर पिटीट पिटीट इज स्म स्मॉल पिटीट इज स्म और वो स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पी ले लिया अब पी के बाद वाला अल्फाबेट क्या है क्यू तो लॉन्ग आर्म को क्या बोल देंगे लॉन्ग आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू ठीक है अ टिपिकल क्रोमोजोम लुक्स लाइक दिस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ प्रोटीन होती है प्रोटीन डिस्क आधे दीज प्रोटीन डिस्क आर कॉल्ड एज कोर काइनेटो कोर इज द साइट जहां स्पिंडल फाइबर जुड़ता है माइटोसिस मियोसिस के टाइम सेल डिवीजन के टाइम पे अभी आ जाएगी आवाज दोबारा रिपीट कर देती हूं द सेंट्रोमियर ज टू डिस्क ऑन इट्स साइड क्या हो रहा है भाई सेंट्रोमियर हैजू डिस्क ऑन इट्स साइड ठीक है ये दोनों प्रोटीन के डिस्क आप इनको कहते हो काइनेटोकोर क्या कहते हो काइनेटोकोर काइनेटोकोर वो जगह है जहां पे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है फॉर सेल डिविजन स्पिंडल जुड़ता है और खींच के लेके जाता है ना इधर उधर वो सारा काइनेटोकोर को जुड़ेगा ठीक है टिपिकल क्रोमोजोम लुक्स लाइक दिस टिपिकल क्रोमोजोम लुक्स लाइक दिस इसमें कहां बनेगा उसके बेसिस पे हमने चार टाइप पे डिवाइड कर दिया ठीक है स्ट्रक्चर समझ में आया ना अ टिपिकल क्रोमोजोम लुक्स लाइक दिस जिसके अंदर की अब सेंट्रोमेयर का पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है so on the basis of position of centromere on the basis of position of centromere we have divided chromosome into four types pehla type मेटा सेंट्रिक मेटा सेंट्रिक में हमारा सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीचों बीच आता है कि अगर मैं इसको इस पॉइंट से सेंट्रोमेयर से पकड़ के ऐसे लटका दू ना सेंट्रोमेयर से पकड़ के लटका दू तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा इक्वल लेंथ पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म तो यहां मैं नहीं जानती कि शॉर्ट आर्म कौन सा है लॉन्ग आर्म कौन सा है पी एंड क्यू आर एब्सोल्यूटली सेम इन लेंथ मेटा सेंट्रिक ऑल्सो नोन एज आइसो ब्रैक्यूअल आइसो मीन सेम ब्रैक्यूल ब्रांच दोनों सेम ले की डंडियां हैं एंड यू कैन सी द शेप इट इज वी शेफ्ट शेप जब आप सेंट्रोमियर से पकड़ के लटकाओगे इसको तो वी शेप का क्रोमोसोम बनेगा ठीक है अगला सेकंड सब मेटा सेंट्रिक थोड़ा सा सेंट्रोमियर शिफ्ट करेगा सब मेटा सेंट्रिक इन सब मेटा सेंट्रिक देर इज अ शॉर्ट आर्म एंड देर इज अ लॉन्ग आर्म आप इसको ऐसे लटकाओगे अगर तो You will find an L shaped. Okay. L shaped milega and P is shorter than Q. P is shorter than Q. This is called a submetacentric. Third Acrocentric. Very, very small P arm. ठीक है बहुत ही छोटा है हमारे पास P इज वेरी वेरी स्मॉल देन Q, राइट right? आप इसको इन्वर्ट अगर करते हो तो यू विल फाइंड जे शेप्ड स्ट्रक्चर जे शेप क्रोमोजोम एंड लास्ट अगर सेंट्रोमेयर टीलोमेयर पे पहुंच जाए एंड पे पहुंच जाए टीलो सेंट्रिक टीलो तो सेंट्रोमियर टिप पे आ गया है सेंट्रोमियर इज एट टीलोमेयर देर इज नो पी no आम कोई है ही नहीं एक ही आम एक आम एबसेंट है ठीक है दिस इज आई शेप्ड आई शेप्ड आई शेप अब ये जो शेप हमने पढ़ी ये हमें कैसे पता चली जब मेरा क्रोमोजोम हैंग कर रहा हो कहीं से हैंग कब करता है क्रोमोजोम बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोजोम फेज मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक लिख लिया बेस्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोजो बेस्ट टू स्टडी मोर्फॉलोजी ऑफ क्रोम स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ये सब कुछ अगर देखना है तो मेटाफे बेस्ट टू स्टडी मोर्फोलॉजी मेटाफेज बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप एन ऑफेज पढ़ लिया करो इसलिए बोलते हो गलत गलत आंसर दिए जाएंगे दिए जाएंगे पढ़ेंगे नहीं कल रिवीजन टेस्ट लिया था मॉक टेस्ट आधी जनता आए ही नहीं बेटा बहुत सही है किसका वेव को बनाओगे मेरा तो बना नहीं रहे हो मेरी क्लास में नहीं आ रहे हो मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया तुम फरमाइशें करते रहो बट क्लास में नहीं आओगे डर से कि पता नहीं याद है कि नहीं याद है तो किसका लॉस है तुम्हारा कि मेरा पेपर किसने देना है तुमने कि मैंने मैंने तो सालों साल यही करना है तुम जाओगे अगले बच्चे आएंगे वो जाएंगे और अगले बच्चे आएंगे पढ़ते रहेंगे हम पढ़ाते रहेंगे for not solving questions? If reading में जब करा रही हूँ तो नहीं आ रहे हो हुएंगर नॉट देर इन क्लास फॉर द थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर क्योंकि मैम बोर हो जाता है दो लेक्चर में चैप्टर खत्म कर दिया करो इतना ना ध्यान नहीं जाता हमसे डॉक्टर बनना है तुम्हें तुमसे दो क्लास से ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है सर्जरी के बीच में बोलोगे बोर हो गया छोड़ खुला छोड़ निकलते हैं कॉफी भी के आते हाँ हैं गलत प्रोफेशन में हो फिर बुरा भी मत फील करना न नॉट रिमेन कंसिस्ट इफ यू कैन नॉट फॉलो अवर रूटीन इफ यू कैन नॉट भी डिसिप्लिन इनफ तो फिर जब नीट नहीं क्लियर होगा तो बुरा भी मत फील करना देन यू नो दैट दिस इज नॉट फॉर यू कूल है कुछ और कर लेंगे ठीक है आई एम जस्ट सीइंग दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही प्रोफेशन है जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को फाइंड वॉट यू रिलेट विद इट्स एब्सोल्यूटली ओके मैम मोटिवेटेड नहीं रहते मैम हमारा कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है मैम हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैम आशिकी भी है तो मैम इंस्टाग्राम भी तो है मैम तो फिर मैम क्या करेंगी चलो अब देखो बेटा ये पीछे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ये वाला मैंने आपको बोला कि एक टिपिकल क्रोमोजोम ऐसा दिखता है है ना अ टिपिकल क्रोमोजोम लुक्स लाइक दिस बट मैम हमने ऐसा नहीं देखा हमने तो अलग देखा है क्रोमोजोम आपने इसको टिपिकल क्रोमोजोम बोला है हाँ, आप इसको बोल रहे हो कि ऐसा होता है क्रोमोजोम लेकिन हमने तो क्रोमोजोम ऐसा देखा है बेटा ये है नॉर्मल ये मैंने सेल साइकिल पढ़ाते टाइम भी समझाई थी बात दिस इज नॉर्मल दिस इज अ क्रोमोजोम विद डबल जेनेटिक मटेरियल ये है वन क्रोमोजोम with one chromatid. This is one chromosome with two chromatids. और इन क्रोमैटेट को हम बोलते हैं जो ये दोनों के दोनों हैं दीज टुगेदर आर नोन एज सिस्टर क्रोमैट्स क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होंगे तो हम डीएनए की कॉपी कब बनाते हैं एग्जैक्ट सेम जब मुझे सेल डिवाइड करना हो सेल मैं कब बनाती हूँ कॉपी डी एन ए की राइट right? सो so, ये इससे ऐसे में कब बदलेगा तभी इसको डिवाइड कराने के लिए मैं जी टू एम के बाहर आऊंगी फिर जीवन में फिर ऐसे ही हो जाएंगे वापस फिर डिवाइड करेंगे ठीक है आज की क्लास अगर देखिए ना तो मेरी बहुत 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 छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे कि आज शाम को या कल सुबह तक या एटलीस्ट कल शाम तक भी तुम्हारे पास पूरे दो दिन है सैटरडे संडे शाम तक भी एक बारी सेल साइकिल सेल डिवीजन का मिधावी बैच का फर्स्ट लेक्चर देख लेना फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लोइी समझाया है क्योंकि ये चैप्टर खत्म होता है सेल साइकिल सेल डिवीजन शुरू होता है इट्स एन ओवरलैप बहुत क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉडी साथ साथ लगते लगते बहुत कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज को समझो ओके okay? नाउ ये एस फेस में ऐसे डुप्लीकेट हो जाता है लेकिन इसके अलावा भी थोड़े अतरंगी क्रोमोसोम्स हमारे पास है कुछ क्रोमोसोम हमारे पास ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक कॉन्स्ट्रक्शन नहीं उसके अलावा एक और भी होती है देखो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन तो बेटा हमने बनाया ही थी ना हमने बनाया था ये सेंट्रोमियर एनसीईआरटी में नहीं सुनना ध्यान से इसको लॉजिक की बात है कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है ऊपर नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इस एक छोटा सा हेड ऊपर थोड़ा सा पार्ट ऊपर रह गया यहां क्या है इधर क्या चीजें ऐसी दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट बेटा इस रीज़न में इस रीजन में यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कुछ जीन्स आ जाते हैं जो आर आर एन ए बनाने के काम आते हैं ठीक है आर आर एन ए बनाने के काम आते हैं अगर कुछ बच्चे जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं उसे समझ में आएगा कि ये डी एन ए आर एन ए का क्या लोचा है जेनेटिक मटीरियल ठीक है एक बैकग्राउंड प्रिंसिपल काम करता है हम सारे ऑर्गेनिजम्स में इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देर इज देर इज अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड प्रिंसिपल दैट वर्क्स क्या है वो प्रिंसिपल इट इज नोन सेंट्रल डॉगमा सेंट्रल डॉगमा इज द सेंट्रल प्रिंसिपल दैट गवर्न एवरीथिंग इन द सेल ठीक है पहला काम क्या है डीएनए जो मेरा जेनेटिक मटीरियल है ये डीएनए खुद को रेप्लीकेट करने की कैपेसिटी रखता है जैसा कि आपने देखा एक क्रोमोसोम था उसमें दो क्रोमैटेड हो गए ठीक है तो ये सेल्फ रेप्लीकेशन की कैपेसिटी रखता है फिर ये डीएनए बना सकता है आरएनए बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है किसी फॉरेन स्क्रिप्ट में जैसे मान लो संस्कृत में अपनी है ना? मान लो Sanskrit में कोई आपको स्क्रिप्ट मिली अब आपने बोला कि यार इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट हल्का सा कर दे इसका स्क्रिप्ट हिंदी में लिख दे मेरे को ये क्या कहना चाह रहा है तू हिंदी में लिख दे मैं काम करा दूंगा आगे इंग्लिश में कन्वर्ट करा दूंगा हमारे वेदास लिखे पुराने पुराने ठीक है हमने बोला संस्कृत में है इसको प्लीज हिंदी में कोई लिख दो तो हमने स्क्रिप्ट लिखी उसकी हिंदी में आर एन ए के फॉर्म ऐसा ही बैकग्राउंड में हमारा सेल भी करता है डीएनए इंफॉर्मेशन लेके आया था पापा मम्मी से उसको रीड करके आर एन ए बनाया दिस आर एन ए ये जो बना ना डीएनए से आर एन ए इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो ट्रांसक्रिप्शन अब आरएनए बनते तीन तरीके हैं आर थ्री टाइप्स ऑफ कौन सा कौन सा आर एन ए होता है टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए आर आर एन ए राइबोजोम बनाने के काम आ रहा था और एम आर एन ए जो मैसेज लेके आएगा मैसेंजर आर एन ए टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर आर स्टैंड फॉर राइबोजोमल एंड एम स्टैंड फॉर मैसेज ठीक है ये तीनों आर साथ में काम करते हैं और जो इसके पास मैसेज है ना जो इसके पास मैसेज है उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपने संस्कृत से हिंदी में करा ली है स्क्रिप्ट अब आप उसको ट्रांसलेट कर देते हो इंग्लिश में ताकि दुनिया में और लोग भी पढ़ ले ठीक है सो फाइनली दिस आर एन ए फॉर्म्स प्रोटीन प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन क्योंकि आप पहले स्क्रिप्ट लिखोगे तभी तो उसको ट्रांसलेट करोगे स्क्रिप्ट लिखोगे तभी तो उसको ट्रांसलेट करोगे राइट क्लियर यह सेंट्रल डॉगमा बैकग्राउंड में काम करता है हमारे हर सेल में ईच एंड एवरी सेल तो डीएनए टू आरएनएन टू प्रोटीन बैकग्राउंड में बनेगा ही बनेगा ऐसे में ये भी इंपॉर्टेंट है ना ये मैसेज ये ले लेके आता है इंफॉर्मेशन इसकी है लेकिन कोई बेचारा लगा हुआ है ना काम करने में भी तो ठीक है आपका जो ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में उसमें लोग बेचारे काम कर रहे हैं टाइप कर रहा है कोई कोई पेंसिल पेपर पेन लेके आ रहा है कोई दस काम कर रहा है तो ये जो आर आर एन ए है इसका इंफॉर्मेशन भी डीएनए में होता है आर आर एन ए का भी इंफॉर्मेशन डी एन ए में है एंड इंफॉर्मेशन इन डी एन ए विच इज यूजफुल इज इन अ छोटा सा सेगमेंट कॉल्ड जीन द ऑफ डी एन डीएनए डी एन इज़ जीन तो हमारे पास इस रीजन में आर आर एन प्रेजेंट है और बहुत सारे ठीक है आपने खुद ही देखा था राइबोसोम वाला पेज पलट लो नोट्स पलट लो राइबोसोम्स में हमने देखा ट्वेंटी एट एस आर आर एन ए फाइव एस आर आर एन ए फाइव पॉइंट एट एस आर आर एन एटीन एस आर आर और भी मैंने आपको बोला था बहुत टाइप होते हैं मॉडिफाई होते हैं ठीक है तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर आर एन ए आर फॉर्म इन दिस रीजन तो अब इतना काम होगा इतना काम इस रीजन में होगा तो यहाँ पे सारा डेंस नहीं हो जाएगा माहौल इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आसपास माहौल काफी डेंस हो जाने वाला है बिकॉज सो मच वर्क इज गोइंग टू बी गोइंग टू हैपन एन दिस एरिया थोड़ा थोड़ा मिल रहा है किससे न्यूक्लियोलस आर आर एन ए का सिंथेसिस होना एक डेंस मटेरियल मिलना जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन इसको हम कहते हैं एन ओ आर कुछ ऐसे क्रोमोजोम्स हैं अगेन रिपीटिंग द होल थिंग कुछ ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा सेंट्रोमेयर के अलावा एक और कॉन्स्ट्रक्शन होती है उस एरिया में जिसके आसपास जीन्स आर आर एन ए बनाने वाले हैं इन दैट रीजन वेन इट इज नॉट दिस कॉन्ट्रैक्टेड वो ऐसे पिचका नहीं हुआ है खुला हुआ है रिलैक्स है, ए बनता है एनओ आर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स या एन ओ आर रीजन न्यूक्लियोल ऑर्गेनाइजिंग रीजन एंड ये मिलता है हमको ऐसे क्रोमोजोम्स में जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है दीज क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एज दीज़ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एज सैट क्रोमोजोम्स ठीक है बिकॉज दी अपर पार्ट ये जो छोटा सा पार्ट बना दिस इज़ कॉल्ड ए सैटेलाइट कॉल्ड satellite. ठीक है दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब ये हर स्पीशीज में स्पेसिफिक नंबर होता है जैसे ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस में थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्रोमोसोम नंबर तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बाईस ये पांच सैट साठ हैं और हमारे पास इन तीनों इन पांचों की एक कॉपी पापा से आई हुई है एक कॉपी मम्मी से आई हुई है तो मेरे पास टोटल दस साठ क्रोमोसोम्स हैं ठीक है कहीं रैंडम कोई सेल मिला आपको नहीं पता है किसका सेल है जूम किया न्यूक्लियस के अंदर घुसे क्रोमोजोम को देखा पहुंचे अंदर अलाइन किए क्रोमोजोम्स ये सारा काम ऑब्वियसली कंप्यूटेशनल करते कराते पहुंचते हो और देखते हो कि इसमें दस साठ क्रोमोसोम्स हैं और टेन साठ क्रोमोजोम्स बोल लो या फाइव पैर बोल लो क्योंकि तो पापा से एक मम्मी से एक तो पैर है ठीक है सो आई है और टेन साठ क्रोमोजोम्स वो सेल के अंदर उसी से पता चल जाएगा ह्यूमन का सेल दीन्स दिस इज स्पेसिफिक थिंग इन एवरी स्पीशीज हो सकता है किसी एक्स वाई स्पीशीज में दो हो किसी ए बी सी डी स्पीशीज में तीन हो किसी में दस हो वैरीज ठीक है क्लियर यहां तक चलो आगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो अगर इतने साठ क्रोमोजोम्स हैं तो न्यूक्लियोलस का नंबर भी वैरी करेगा नॉट वन बट न्यूक्लियोलस विल आल्सो बी मोर इन नंबर मूविंग ऑन टू सम स्पेशल क्रोमोजोम्स स्पेशल क्रोमोजोम्स द फर्स्ट स्पेशल क्रोमोजोम दीज जायंट क्रोमोसोम्स, बड़े बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं पहला लैंप ब्रश क्रोमोजोम ब्रश क्रोमोसोम्स। लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स दिखता है आपका आपको याद होगा पहले वो ऐसे होम शॉप एटीन टाइप आता था उसमें एक रंगीन सी झाड़ू आती थी फ्रिल फ्रिल वाली यहां भी उसके झाड़ साफ कर देगी वहां साफ कर देगी यहाँ भी साफ हो गया पता नहीं कहाँ कहां इधर उधर घुस जा रहे हैं अंकल है ना वो वो जो अजीब सी एकदम रेनबो कलर की झाड़ू आती थी, थी अपनी है ना घुस घुस के रेलिंग के अंदर घुस जाएगा यहाँ देखो इसके अंदर लैम्प के अंदर घुस गया साफ कर दिया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम सो दैट लैम्प ब्रश जो हमारे पास है उसका मेन क्या है वो फ्रिल जो साइड को निकला हुआ है यहां पे क्रोमोसोम के साथ क्या हुआ है क्रोमोसोम बेचारा अटक गया है मेरा डिप्लोटीन स्टेज में डिप्लोटीन स्टेज इज स्टेज ऑफ प्रोफेज वन प्रोफेज वन का स्टेज है ये जो कि मियोसिस वन में होता है अब मियोसिस हो रहा है इसका मतलब ये कोई जर्मिनल सेल है ये नॉर्मल सेल नहीं है दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग तो टू फॉर्म कोई गेमिट या दो मेल या फीमेल ठीक है तो ये किस में मिलेगा आपको डिप्लोटीन स्टेज ऑफ उइट्स ऑफ सम इंसेक्ट्स में हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है ठीक है हमारे पास इंसेक्ट में इसका प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा है कूल आप देखो बड़ी मस्त चीज होएगी डिप्लोटीन स्टेज दैट इज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ इट उसके अंदर हमारा जो सेल डिवाइड कर रहा है दैट डिवाइडिंग सेल और यू कैन से द फूला हुआ पार्ट मियोसिस के टाइम पे बेटा आपके पास एक इसका यार एग्जांपल डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है क्रोमोसोम्स आपस में पेयर होते हैं बच्चा क्रोमोसोम पापा से जो आया और मम्मी से जो आया ना वैसे साथ में पैर हो जाते हैं और मैं क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ कुछ होता रहता है सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ाया है मैंने रेफर कर लेना सेशन को ठीक है ये पेयरिंग हो गई पेयर हो गया डिप्लोटीन अब बैठा है डिप्लोटीन में हो गई सदियां महीने हफ्ते साल ये आगे जा ही नहीं रहा वो साइट एग बनाने बोला अभी नहीं थोड़े टाइम में अभी नहीं आगे थोड़े टाइम में वो साइट द सेल दैट गोज एंड फॉर्म बैठा है बैठा है बैठा है बैठे बैठे क्या करेगा बोर हुए करना कुछ काम शुरू करो काम अंताक्षरी नहीं तो इसने बोला बैठे बैठे करो क्या जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट है चलो उसको बंद रहने दे। लेकिन जो काम का काम पार्ट है जो जो यू क्रोमैटिन है उसको तो खोल दो सोचो आपके घर में बोला कि शिफ्टिंग करनी है शिफ्टिंग करनी है निकलना है घर शिफ्ट करना है तो अगले महीने या हफ्ते भर में तुमने सारा सामान पैक करके रख दिया तो बोले नहीं पंद्रह दिन बाद पैक भी है तो ऐसा थोड़ी है ना तुम कुछ सामान ही नहीं यूज करोगे तुम क्या करोगे जो थोड़ा बहुत काम आता है वो वो डब्बे खोल लोगे पैकिंग में से है ना सम सम पार्ट ऑफ़ यू आर यूजिंग तो वो जो पार्ट आप खोल रहे हो इसमें भी ऐसा ही होता है सारा साथ में चिपका हुआ है बस वो रीजन जो रिक्वायर्ड है वो लूप आउट हो जाते हैं ये दोनों यहां पे है ना पेड है ये काम है तो इधर इतना ये लूप खुल गया ये लूप खुल गया ये ढीला हो गया यहां से so दिज आर नथिंग बट यू क्रोमार्टिन रीजन यहाँ से आपको काम होता हुआ दिखाई देगा यहाँ काम हो रहा है प्रॉपर वो कौन सा काम हो रहा है जो पीछे सेंट्रल डॉगमा में बताया डीएनए है ओपन कर दो आर बनवाएंगे आर से बाहर प्रोटीन बनवाना है तुमने तो बंद करके रखवा दिया पूरा किचन अब बाहर से ही ऑर्डर होगा कि पंद्रह बीस दिन खाना नहीं घर पे बनेगा खाना मम्मी जान नहीं जान खा जाएंगे तुम्हारी घर पे खाना नहीं बना दो ठीक है सो so, ये चीज है सो दिस क्रोम लूप इज मेजरली नथिंग बट यू क्रोम जो कि काम आ रहा है एंड क्रोमोमियर आपको एक वर्ड मिलेगा यहाँ क्रोमोमियर डेंस टाइटली पैक्ड एरिया टाइटली पैक्ड एरिया ठीक दीज आर वेरी लार्ज इन साइज ज्यादातर कहां मिलेंगे आपको वो साइड्स के अंदर Oocytes, वो साइड्स वो सेल्स जो आगे जाके एग बनाएंगे फॉर्म्स एग बाय मियोसिस डिप्लोटीन स्टेज में लैम्ब्रश क्रोमोसोम इसके अलावा आता है दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर

पॉलिटीन क्रोमोजोम आर सीन इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ डिप्थीरियन लार्वी लार्वल स्टेज में बेटा एडल्ट में मक्खी कौन से डिप्तीरियन लार्वी में हमारे पास जो बहुत फेमस है वी हैव ड्रोसो फिल एंड ये दो हैं जिनमें हमने इसको पढ़ा पहली बार कारोनोमस में देखा फिर हमें इसमें मिल गया ड्रोसोफेला में मिल गया लार्वल स्टेज में जब वो लार्वे की स्टेज में तब आपको उसके सलाइवरी वाले एरिया में गट खींच दोगे ना पूरा हम क्या करते हैं छोटा सा लार्वी लेते हैं स्लाइड पे रखते हैं डायसेक्टिंग फोरसेप और नीडल फोरसेप से पकड़ा नीडल से पकड़ा फोरसेप से पकड़ा उसका मुंह नीडल से पकड़ी उसकी बॉडी और धक्का पूरा गट निकाल देना मर फिर उसको स्टेन करो पिचकाओ माइक्रोस्कोप के अंडर देखो सलाइवरी ग्लैंड्स का जो पिचका हुआ पार्ट है उसमें कुछ सेल्स में आपको ऐसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे अड्रोसोफिला का हमारा क्रोमोसोम नंबर है 4 हाप्लोइड नंबर इज 4 चार, चार क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास और डिप्लोइड कंडीशन में फोर पेयर हो जाएंगे तो आठ क्रोमोजोम ठीक है इमेजिन आपके पास चार डिफरेंट कलर की सॉक्स है चार डिफरेंट कलर के सॉक्स हैं आपके पास ठीक है आपने क्या किया पिंक सॉक्स ब्लू सॉक्स येलो सॉक्स एंड ग्रीन सॉक्स यू हैव ओके सो पिंक येलो ग्रीन एंड ब्लू जो आपके पास चार पेयर हैं उन सबको आपने उनके एंकल से पकड़ लिया एडी वाला पार्ट नहीं होता जो उधर से पकड़ लिया तो एक है आपके पास बड़ी बहुत लंबी सॉक्स ठीक है आपने उसको एडी से पकड़ लिया ये ये इधर इधर एडी से पकड़ लिया मैंने ठीक है ये हमारी पिंक वाली सॉक्स है फिर हमारे पास येलो तो दिखेगा नहीं बोर्ड ले लेती ले हूँ पर्पल सॉक्स छोटी वाली सॉक्स है एंकल लेंथ सॉक्स है छोटा सॉक्स एडी से पकड़ लिया आपने एक और सॉक्स सर्दियों वाली सॉक्स वुलन फिर से आपने एंकल से पकड़ लिया लास्ट वेरी स्मॉल ऐसा पैर छोटे सॉक्स लंबा सबका सेंट्रोमियर बीच में आ गया सेंट्रोमियर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स इन द सेंटर और एक जगह पकड़ लिया मैंने बोला कहीं नहीं जा रहा ठीक है दिस सेंटर इज नाउ नोन एज क्रोमो सेंटर जहां सबका सेंट्रोमियर आ रहा है आठ है ना टोटल चार पैर आठ सॉक्स सबको सेंट्रोमियर सबको एडी से पकड़ लिया ऑल द क्रोमोसोम्स आई एम होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रोमियर दिस रीजन इज नोन एज क्रोमो सेंटर ठीक ये क्रोमो सेंटर जो पकड़ा अब दे एन ए पर एप्लीकेशन परेशन परेशन पर एप्लीकेशन पर 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 मैंने आपको बोला था ये नॉर्मल होता है मैंने आपको बोला ये नॉर्मल होता है ज्यादा ज़्यादा एस फेज में ऐसा हो जाएगा बस इससे ज्यादा नहीं होल्ड करता क्योंकि वो जो क्वालिटी है ना हमारी ग्लू की जो चिपकाती है इन दोनों को साथ में बड़ी खराब क्वालिटी ग्लू हद ही खराब थोड़ी देर में छोड़ देगी आधा एक घंटा दो घंटा मैक्स लेकिन इसकी वाली ग्लू कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है ये फेविको एक वो पहली वाली अभी वाली पड़ती आती है ये वाली मस्त आपने होल्ड किया एक तो सबका सेंटर साथ पकड़ लिया इसने ऊपर से रेप्लीकेशन परेशन साइकिल्स ऑफ द साइकिल्स आप इतनी बार रेप्लीकेशन देखोगे दैट दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्रेड्स मल्टीपल रेड मल्टीपल ग्रीन मल्टीपल पर्पल मल्टीपल ब्लू ऑलमोस्ट अप टू थाउजेंड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर योर इतने टाइम्स कॉपी हो गया तो मैंने क्या किया मैंने इसको जूम कर लिया मैं इसको जूम कर देती हूं बाहर इतना सा रीजन उठाओ और बाहर जूम कर लो इतनी बार रेप्लीकेट कर दिया मैंने इस रीजन में से कि अब मैं इसको अगर जूम इन करके देखती हूं ना जूम इन लिटल तो क्या है बेटा ये कॉपी तो है ये डीएनए के स्टैंड वो एक कितने हजारों स्टैंड हो रहे हैं हंड्रेड ऑफ स्टैंड इन जस्ट पूरा होल्ड करके रखा हुआ है आप खुद सोच के देखो इतना सारा जेनेटिक मटेरियल का क्या ये अचार डालेगा तो ये क्यों कर रहा है इसका मतलब ये कंट्रोल कर रहा है कुछ डेवलपमेंट ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और पार्ट के लिए भी हमने जब बाकी प्रॉपर स्टडी किया तो हमें पता चला दैट पॉलिटीन आर इंपॉर्टेंट एम्ब्रियल डेवलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलट के टाइम के पे बहुत सारी चीजें ऊपर रेगुलेट की जाती है अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जीन्स के एक्सप्रेशन के ठीक है जैसे इमेजिन करो कि इसमें यह वाला रीजन जो था यह हेट्रोक्रोमैटिन है तो ये डार्क ये मैंने टाइट से पैक कर दिया हेट्रोक्रोमैटिन नहीं चाहिए ना मुझे तो मैंने टाइट टा, से एकदम पैक करा हुआ है यूक्रोमैटिन से छोड़ दिया ये हेट्रोक्रोमैटिन फिर टाइट से पैक कर दिया क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी है भाई अगर इसमें यहाँ हेट्रोक्रोमैटिन है यहाँ तो यही होगा हेट्रोक्रोमैटिन एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हो आप हाँ, ये यूक्रोमैटिन है तो सारा यूक्रोमैटिन होगा ये हेट्रोक्रोमैटिन है तो ये सारा हेट्रोक्रोमैटिन है टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड सो वट यू सी मैं स्टेन करूंगी तो मुझे एक पूरा बैंड दिखेगा डार्क एक पूरा बैंड दिखेगा लाइट तो आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में आपको डार्क एंड लाइट बैंड दिख रहे हैं यू सी लाइन तो जो डार्क बैंड है नथिंग बट हेटरो एटरोन ये पहले इतना प्रोमिनेंट नहीं था क्योंकि इतनी कॉपी भी तो नहीं थी एक या दो डीएनए था मेरे पास हजारों कापीज थोड़ी थी मेरे पास थाउजेंड ऑफ कॉपी दैन वेन दे आर गोइंग इन दैट मच ऑफ डिटेल तो हम मेरे को प्रॉपरली बैंड की तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि सारे हेटर लाइन में आया क्यों लाइन में आया मैम क्योंकि सबका लोकेशन सही से, सेम रहता है लोकेशन सेम रहता है और तुम एग्जैक्ट डेट ऑफ कॉपी बनाओगे जेरोक्स कॉपी कराने जाते हो तो एक वर्ड नीचे वाले पेज पे भी तो वही है उसमें भी तो वही आएगा ऐसे थोड़ी है कि तुम जेरोक्स कॉपी कराओगे तो वहां की हेडिंग यहां आ जाएगी जेरोक्स कॉपी में पूरे में सेम आने वाला है एग्जैक्ट सेम वही हुआ ऑल डार्क ये डार्क ये डार्क दो डार्क बैंड के बीच में इंटर बैंड इंटर बैंड रीजन मेजरली रीजन जो यूक्रमेटिन है काम आएंगे इसलिए वो डार्क लाइटली स्टेन होते हैं आप आती इंटरेस्टिंग चीज आप इसको ऑब्जर्व करते रहो बड़ा आराम से स्टेन होता है ये इट गेट स्टेन वेरी इजिली ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है अगर स्टेज गड़बड़ है तो लार्वल स्टेज में सही स्टेज में ढूंढ लिया तो एकदम फट से मिल जाएगा लेकिन वहीं पे अगर तुमने बड़ा वाला ड्रोसो नहीं बड़े ड्रोसो में तो बड़ा पॉलिटीन क्रोमोसोम होगा होगा ही नहीं गलत जगह ढूंढ रहे हो तो पिचकाओगे भी कितने ही मार दो बेचारे कुछ नहीं होने वाला उसका अब यहां पे देखो ये जो इंटर बैंड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ऑर्केस्ट्रा जैसे बजता है ठीक फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कोई एक डेवलपमेंट होनी है लालवी में आंखें बननी है ठीक है आंखें बननी है उसके लिए मुझे सौ जींस चाहिए हंड्रेड जींस चाहिए फॉर डेवलपिंग आईज हाइपोथेटिकल आई नीड हंड्रेड जीन्स तो आपको इस पूरे एरिया में लगभग हंड्रेड फूले फूले पार्ट्स मिलेंगे क्योंकि वो वो रीजन है जो खुल गए जहां काम चल रहा है तो सपोज दिस इज वन ऑफ दैट रीजन इट विल बिकम लूज इट विल बिकम लाइक अ पफ इट विल स्वेल क्योंकि वो लूज हो गया वहां पे यू क्रोटमैटन पे हम काम करेंगे आर एन ए बनवाएंगे फिर वहां से बाहर लेके जाएंगे प्रोटीन बनवाएंगे सब कुछ काम करेंगे तब तक तो ये फूला रहेगा ये फूला हुआ पार्ट इज नोन एज बाल पफ्स और रिंग्स आंखें बन गई हैं अब मुझे इस इस जीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको बंद कर दिया इसको बंद कर दिया मेरे को अब टांगे बनानी है उसकी पैर तो ये खोल दिया मान लो इधर से खुल गया ये बंद हो गया सो तो इसे ऑर्केस्ट्रा के ये वाला चल रहा है अभी जीन ये वाला बंद हो गया फिर ये वाला तो डिफरेंट एम्ब्रियोनल स्टेजेस पे डिफरेंट लार्वल डेवलपमेंटल स्टेजेस पे आप ये पता लगा सकते हो कहां -कहां पे पफ खुला है कहां कहां पे फूला हुआ है वहां वहां वो जीन प्रेजेंट है जो इन्वॉल्व है उस स्टेज में उस स्टेज के डेवलपमेंट में जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे वो उस टाइम पे लूजेंड अप होंगे खुले हुए होंगे मस्त बिंदास आपको मिल जाएगा सो दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडीज बिकॉज यू कैन ईजिली स्टेन इट एवरीथिंग इज विजिबल और क्योंकि इतनी कॉपी ऑलरेडी करा के बैठे हैं भाई साहब हजारों कॉपी ऑलरेडी करा के बैठे हैं तो मुझे उसका इनक्रीज भी नहीं करना जेनेटी मटेरियल मुझे दिख रहा है व्हाइट वेरी प्रोमनेंटली आई कैन सी

परफॉर्म देर ओन स्पेशल फंक्शन ठीक है बेसिकली कोई वैसीकल निकला था गोल जी ईआर में से और बोला आज से मैं अपना काम करूंगा खुद वो बन गया माइक्रोबॉडी फॉर एग्जाम्पल पेडोक्सीजोम्स पेडोक्सीजोम्स पेरॉक्सीजोम्स एनिमल्स animals. Animals के अंदर ज्यादा परोक्सिडेज का काम करता है परोक्सीडेज बनाने का काम करता है परोक्सीडेज बेसिकली टू तो गिव यू अर सिग्नल कि कुछ गड़बड़ है भाई ठीक है कुछ गड़बड़ है जल्दी भागो और उसी को डिग्रेड करने का भी काम करेगा सादा इसका इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथोसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम फोटोरेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल में प्रॉपरली फोटो पेरोक्सिजोम्स वर्क जो जाते हैं है, 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 और भाग के वापस आते है, यही पे डिग्रेड भी होने ठीक है पेरोक्सिजोम्स स्पेरोजोम्स स्पेरोजोम्स एसईआर के वेसिकल्स होते हैं वेसिकल्स ऑफ एसईआर स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मूद एंडोप्लाम लिपिड बना रहा था रे स्टोर एंड एज वेल एज सिंथिसाइज लिपिड ठीक है सो दे आर इन्वॉल्व इन सिंथिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड फंक्शन इज टू हेल्प लिपिड सिंथिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फैट वही उसी से रिलेटेड लास्ट ग्लायोक्सीजोम्स ग्लायोक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन बीडाऑक्सीडेशन एंड ग्लायोक्सीडेट पाथवे जिसमें कि हम फैट से शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ को ये आपको मिलेगा ऑयली सीड्स में कैस्टर सीड्स वगैरह में आपको बहुत कॉमन मिलता है प्लांट सेल में ज्यादा कॉमन है कम्पेयर टू एनिमल सेल्स सो दीज आर स्पेशल दे आर प्रेजेंट इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड ऑयल सीड्स एज वेल ठीक है दैट्स इट दिस योर चैप्टर कल टूम इलेवन थर्टी वी आर रीडिंग सेल चैप्टर फ्रॉम एनसीआर टी हम एन सी आर टी की रीडिंग लगाएंगे सेल चैप्टर की और रात को दस बजे कल ही वी विल भी सॉल्विंग अ फुल टेस्ट ऑफ सेल चैप्टर ठीक है प्रैक्टिस सेशन जितने बच्चे रेगुलर हैं मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे क्लास में मिलो आज दो बजे टुडे ऐट टू वी हैव अ स्पेशल क्लास फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स किसी बच्चे को भी अगर पेपर देना है प्रैक्टिस करनी है तो आ जाना क्लास में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे लाइफ टाइम मतलब एकदम रियल टाइम क्विज होगा आपको रैंक क्लास में पता चलेगी यू विल गेट टू नो वेर यू स्टैंड इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देर ठीक है तो आज दो बजे स्पेशल क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स टुमारो 10 सेल ठीक है तो मैंने पूरा चैप्टर थ्योरी पढ़ा दिया कल सुबह एनसीआरटी की रीडिंग हो जाएगी और रात को क्वेश्चन हो जाएंगे वन वीक एंड द होल चैप्टर इज डन वेरी प्रॉपरली ठीक तो साथ जुड़े रहोगे तो हम सीक्वेंस में ढंग से चलते रहेंगे हाथ छोड़ दिया साथ छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ किसी के साथ तो होने वाली है चलो सो दिस इज वेयर यू विल फाइंड द पी डी एफ ऑफ टूडेज सेशन आज के सेशन का पी डी एफ शेयर कर दूंगी मैं और स्पेशल क्लास का लिंक भी शेयर कर दूंगी इसी चैनल पे यू कैन गो फॉर आईकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन डिटेल्ड इंटर एक्टिव डाउट क्लियरिंग सेशन और उसके साथ साथ अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आइकोनिक के लिए जा सकते हो आई विल ऑल्सो बी देर टू हेल्प यू आउट इन बोथ प्लस एंड आईकॉनिक यूज कोमन लाइफ कोड एंड लेट मी नो दैट यू यूज द कोड ठीक है तो मैं आपको अपनी तरफ से जो गाइडेंस देने हैं जो कुछ पॉइंट्स बताने हैं वो मैं जरूर आपको कन्वे कर दूंगी ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है अभी सत्रह तारीख तक क्योंकि दस परसेंट ऑलरेडी ऑफ है और टेन परसेंट कोड लगा के हो जाएगा ठीक यूज कॉमन लाइफ कोड क्यों आज बोल रही हूँ मैं क्योंकि पंद्रह तारीख से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फोटो ऑन प्लस मिस नहीं होना चाहिए ठीक है डोंट मिस इट दूसरा रिवाइव लास्ट चांस कल को पेपर ही है चौदह तारीख को पेपर है फोर्टीन ऑफ नवंबर दो बजे कोमल लाइफ कोड यूज करो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यूज इट एंड ज्वाइन सब्सक्रिप्शन मिले ना मिले प्रैक्टिस अच्छी होगी पैन इंडिया पेपर है बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे ड यू स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम ठीक है दिस इज मेधावी प्लस मेधावी प्लस में पंद्रह नवंबर से मेरा क्लास फाइव पी ठीक है फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे ओके चलिए थैंक यू सो मच अ लॉट ऑफ न्यू बैचेस आर ऑल्सो स्टार्टिंग आप एनरोल कर सकते हो कॉम्बैट इज अनादर कॉन्स्टेंट हमारा एक पेपर uh, है जो हमेशा होता है हर संडे 11 बजे सुबह 28 एट क्वेश्चन वेरी इजी 45 फाइव मिनट्स का है इसका लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो तो कल दो स्पेशल ओकेजन टमोरो

एट इलेवन थर्टी ठीक है कॉम्बैट के लिए थोड़ा और पंद्रह मिनट में लेट शुरू कर दूंगी फोर्टी फाइव पर शुरू कर लेंगे क्योंकि कॉम्बैट होता है आपका फोर्टी फाइव तक ठीक है वी विल रीड एनसीआर टी पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे दो बजे से पहले आई कंप्लीटेड चैप्टर पूरा कर लेंगे जितना रीडिंग हो पाएगा नहीं तो उसका एक और सेशन हम बाद में लगा लेंगे एन सी आर टी रीडिंग का ठीक है विल गो फॉर एन सी आर टी रीडिंग अनदर डे तब तक तुमको क्या करना है पढ़ना है कल के लिए पढ़ो सेल चैप्टर के लिए पढ़ो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स का टेस्ट देखते हैं कितना होता है सबको आना है क्लास में एवरीबडी हैज टू बी देर एट टू फाइन थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब पीडीएफ भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे लिंक्स मिल जाए चैनल पर ही थैंक यू सो मच